इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले किस तरह से हैकर्स अपने एप्लीकेशंस को एंटी डिकम्पाइल बनाते हैं, जैसे कि ना तो उनके एप्लीकेशंस के आइकन को आप चेंज कर सकते हो, नाम को चेंज कर सकते हो, इवन आप उस एप्लीकेशंस को डिकम्पाइल भी नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है वो किस तरह से काम करती है, आपने हाल ही में बहुत सारे मालवेयर्स के बारे में सुना होगा जो कि एंटी डिकम्पाइल फंक्शन पर काम करते हैं, तो वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिससे कि आप उसके एप्लीकेशंस को डिकम्पाइल नहीं कर सकते। जब आप उसे डिकम्पाइल ही नहीं कर सकते तो आप उसे एप्लीकेशन के अंदर मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते, इवन वो जो एप्लीकेशन पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा एबीके टूल यहाँ पर काम नहीं करेगा, जिससे कि आप उसे एप्लीकेशन के अंदर छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है वो किस तरह से की जाती है, किस तरह से हम इस चीज़ को यूज़ ले सकते हैं, कैसे हमारे एप्लीकेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंटी डिकम्पाइल बना सकते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर गिटहब पर एक रेपोजिटरी का यूज़ करने वाले, जिसका नाम है एपीके एडिटर। एंड्रॉइड बाइनरी रिसोर्सेज रीड राइट लाइब्रेरी का यूज़ करती आपके एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने के लिए। ये पूरी तरह से आपट को रिमूव कर दिए गए। जब जिनको आपट नहीं पता उनको मैं बता दूं, एंड्रॉइड असिस्ट पैकेजिंग टूल, ये आपकी तब मदद करता है जब आप एपीके टूल की मदद से एप्लीकेशंस को डिकम्पाइल या फिर रिकम्पाइल कर रहे होते हैं। आपके एप्लीकेशंस को जिप में, जार में या फिर एपीके के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। अब चूंकि आपट को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है, तो यहाँ पर एपीके टूल का जो फंक्शन है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, और जो भी एपीके एडिटर से एप्लीकेशंस कंपाइल होंगे या फिर प्रोटेक्ट होंगे उसे आप एपीके टूल के अंदर से खोल ही नहीं सकते या फिर डिकम्पाइल ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसी का फायदा ये उठाता है, इसी तरह से आपके एप्लीकेशंस को प्रिवेंट करता है डिकम्पाइल करने के लिए। एपीके एडिटर को आप इसके गिटहब के रिलीज पेज से आप डाउनलोड कर सकते हो। वर्जन 1.3.2 हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करने वाले। इस टूल के जो 6 मेन फीचर्स है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले इस टूल की मदद से आप एप्लीकेशंस को डिकम्पाइल भी कर सकते हो, बट शर्त है कि वो जो एप्लीकेशन है वो प्रोटेक्ट ना हो। अगर आपने इस टूल की मदद से एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट कर दिया तो ये टूल खुद भी उस एप्लीकेशंस को डिकम्पाइल नहीं कर सकता। दूसरे यहाँ पर आप एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हो। तीसरा, एप्लीकेशंस को मर्ज भी कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल स्प्लिट्स फाइल्स है तो मर्जिंग का भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। चौथा, यहाँ पर रेफैक्टर, यानी कि आप एप्लीकेशंस को ऑफस्केट कर सकते हो। रिसोर्सेस एंट्री नेम्स को आप ऑफस्केट बना सकते हो। पांचवा, यहाँ पर हमारा प्रोटेक्ट, जो कि हमारा मेन प्रायोरिटी इस वीडियो के अंदर है। छठा, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशंस के, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज, सिग्नेचर, इनके बारे में आप जान सकते हो। तो एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जावा से इस फाइल को रन करना होगा। मेक श्योर कि आपके सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल होनी चाहिए। आपको ये कमांड यूज़ करनी है। सबसे पहले आपको जावा देना है, इसके बाद आपको जार सेलेक्ट करना है, हाइफन जार। एपीके एडिटर की जो जार फाइल है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। पी कमांड आपको देना है, यानी कि प्रोटेक्ट करना है हमें। इसके बाद हाइफन आई, जो कि हमारा इनपुट होगा, और कौन से एप्लीकेशंस को आप प्रोटेक्ट करने वाले हो उस एप्लीकेशंस को आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कुछ ही देर में आप देख सकते हो कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये जो एप्लीकेशन है एंटी डिकम्पाइल बन चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर एपीके इजी टूल का हम यूज़ करने वाले, जो कि काफ़ी पावरफुल है एप्लीकेशंस को एडिट करने के लिए। जैसे हमने इस एप्लीकेशंस को एपीके एडिटर के अंदर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एपीके इजी टूल ने हमें वार्निंग कर दी और इस एप्लीकेशंस को डिकम्पाइल नहीं कर पाए। साथ ही हमने इस एप्लीकेशंस को एपीके एडिटर की मदद से भी डिकम्पाइल करने की कोशिश करी और यहाँ पर भी हमें एक वार्निंग आ गई, हम इस एप्लीकेशंस को डिकम्पाइल नहीं कर सके। इसी के साथ हमने एक और एपीके टूल एम, जो कि डिकम्पाइल और रिकम्पाइल करने के लिए काफ़ी फेमस टूल है, उसके अंदर भी जैसे हमने इस एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया डिकम्पाइल करने के लिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हो कि हमें भी एक वार्निंग आ चुकी है और इस एप्लीकेशन को हम डिकम्पाइल नहीं कर सकते। डिकम्पाइल तो छोड़ो, आप इस एप्लीकेशन के आइकन को या फिर नाम को भी रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये पूरी तरह प्रोटेक्ट हो चुका है। अब आप सबके मन में एक सवाल होगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अगर हम एप्लीकेशन को डिकम्पाइल नहीं कर पाएंगे या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन को अनलॉक नहीं करेंगे तो फिर उसकी पहचान कैसे होगी कि इस एपीके के अंदर मालवेयर है या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया कि ये जो टूल है एपीके टूल एप्ट को यहाँ पर रिमूव कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, तो आप एपीके टूल की मदद से तो आप इस एप्लीकेशन को अनलॉक नहीं कर सकते, बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि हम एप्लीकेशन को डिकम्पाइल कर पा रहे हैं। जैसा कि ZX GDA, जो कि एंड्रॉइड रिवर्स इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, उसकी मदद से आप इस एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि ZX के अंदर यहाँ पर मोस्टली डेस्क टू जार का यूज़ होता है एप्लीकेशन को अनलॉक करने के लिए। साथ ही अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो मोबाइल के अंदर भी एमटी मैनेजर, एनपी मैनेजर, इनका यूज़ कर सकते हैं आप एप्लीकेशंस को खोलने के लिए, डिकम्पाइल करने के लिए, चेक करने के लिए कि एप्लीकेशंस के अंदर कोई मालवेयर या फिर कोई वायरस तो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से हम एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से एंड्रॉइड एप्लीकेशंस एंटी डिकम्पाइल बनते हैं। तो अगर आपको आगे फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ही रिस्क लेकर आप सबके लिए ऐसे वीडियोस को हम डिज़ाइन करते हैं और YouTube बार बार हमारी वीडियोस को रिमूव करता है।
तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करके रखिए। इसके अलावा अगर आपका हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन को एक बार आप जरूर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे हैकिंग के बहुत सारे कोर्सेज जो कि प्रैक्टिकल भाषा में, उनको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी हैकिंग इंडस्ट्री वो काम करती है। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।